नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी, तो इस सीरीज में हम वर्ड टू वर्ड इस बुक को कवर करेंगे, इसके पार्ट ए बी और पार्ट बी भी, और साथ में ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग अनदर सीरीज इन विच वील कवर इग्नू मटीरियल, इग्नू सोशियोलॉजी मटीरियल जो भी आपका रेलिवेंट है आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, वो पोर्शन हम प्ले लिस्ट में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। पहले हमने इंट्रो डिस्कस किया था पहले वाले टॉपिक में, आज स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जो कि आपके यूपीएससी सिलेबस का पहला टॉपिक है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अगर आप नाम से ही देखो आपको क्या लग रहा होगा, नाम इसका जो टाइटल है कि मॉडर्निटी हुई एंड सोशल चेंज यूरोप में, दैट मीन्स यूरोप की सोसाइटी चेंज हुई, वो मॉडर्न हो गए, इन दो चीजों का कोई रिलेशन है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के साथ? ठीक है, और इस वाले हमारे टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या सोशल चेंजेस हुई और कैसे मॉडर्निटी से इमर्ज हुआ सोशियोलॉजी। फाइन, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला कि जो सोशियोलॉजिकल डिलिब्रेशंस हैं, जो सोसाइटी की बातें हैं, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये बातें पहले भी हुई थी। सोशियोलॉजी में आप क्या करते हो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सोशियोलॉजी 19th सेंचुरी में आई, तो 19th सेंचुरी से पहले क्या आप सोसाइटी को स्टडी नहीं करते थे, या सोसाइटी के बारे में हमारे पास कोई रिटन मटेरियल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजिकल डेलिब्रेशन सोसाइटी की जो बातें हैं वो पहले थी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, डे ऑफ एसाइस ऑफ सिसरो एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौतल्या। इन तीनों में जो आपका लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, सोसाइटी है, स्टेट्समैनशिप, पॉलिटी, वो सारी चीजें इनमें डिस्कस्ड है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास सोसाइटी की, जो सोसाइटी को स्टडी किया गया है, उनका मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी है। सोसाइटी की बात है जैसे ये प्रूव होता है कि सोसाइटी की जो डिस्कशंस है सोसाइटी को लेके, वो पहले भी हुए हैं। फिर बाद में क्या हुआ, सोशियोलॉजी के आने के बाद ये एक सिस्टमैटिक वे में हुए। जैसे मैंने कल भी आपको कहा सोसाइटी किन लाइंस पे, सोशियोलॉजी किन लाइंस पे डेवलप हुआ, नेचुरल साइंस के। दैट मींस अब जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी आप डिस्कशंस होंगे या जो भी डिस्कवरीज होंगी वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होंगी। दैट मीन्स ज्यादा एक सिस्टमैटिक स्ट्रीमलाइन हो गया सोसाइटी को स्टडी करने का प्रोसेस, है ना, सोसाइटी की। लेकिन जो डेलिब्रेशंस थी वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अब देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में वील गो थ्रू द बुक। देखो हुआ क्या, बेसिकली फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ, ठीक है। तो रोम जो है, रोमन एम्पायर काफी रिच थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ड्रामा, थिएटर। अब देखो ये एक गोल्डन रूल है, कोई भी अगर एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचता है उसके बाद उसका फॉल होता है। रोमन टाइम जो है, रोमन पीरियड अपने जेनिथ पे पहुंचा, फिर उसका फॉल हुआ। सिमिलरली उसका जब फॉल हुआ तो स्टार्ट हो गए आपके डार्क एजेस। ऑल्दो दिस टर्म इज कंटेस्टेड, ऐसा नहीं माना जाता है कि वो डार्क एजेस थे अगर ग्लोबली इसको कंसिडर किया जाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हमारी बुक में दिया हुआ है, हम वो कंसिडर करेंगे इस पीरियड को डार्क एज। ठीक है, तो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ और आपका क्या स्टार्ट हो गया, डार्क एजेस का टाइम। अब डार्क एजेस का ऐसा टाइम था जहां पे आपकी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपके एम्पायर का, जैसे रोमन एम्पायर थी उनका फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर हो गया। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खत्म होने लगा। फाइन, एजुकेशन जो है उसका डिक्लाइन हो गया, चर्च का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया, और आपकी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी। दैट मींस इकोनॉमिकली आपका कोई कनेक्ट नहीं रहा आपके आसपास की जगहों से। फाइन, तो काफी एक बुरा टाइम था, कोई ग्रोथ नहीं, प्रोग्रेस नहीं आर्ट में, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में, कोई एक डिस्कवरीज में कुछ ये नहीं हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट कोई नहीं हुई, तो काफी बुरा टाइम स्टार्ट हुआ। जैसे रोमन के जेनिथ के बाद फॉल हुआ, वैसे डार्क एजेस जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा उसके बाद उसका उसकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब डार्क एजेस से हम निकले और हम अब जा रहे हैं मॉडर्निटी की तरफ। बीच में हमारा एक इवेंट अकर हुआ जिसको हम बोलते हैं रेनेसां। तो रेनेसां ने क्या किया, ब्रिज किया डार्क एजेस को मॉडर्निटी के साथ, एज ब्रिज एक्ट किया। ठीक है, अब रेनेसां आया आपका 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी के अराउंड, इटली में स्टार्ट हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ रेनेसांस में, आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, रेनेसांस का जो पीरियड है उसमें क्या हुआ, रिवाइवल हो गया क्लासिक लर्निंग। इन्होंने कहा जो ओल्ड ग्लोरी है हमें वापस दे दो, क्लासिक लर्निंग, आर्ट वगैरह, वो सारा चीजें हो गई। और उसके साथ और एक चीज हो गई, एक तो आपका रिवाइवल हो गया ओल्ड ग्लोरी का, सेकंड एक और चीज हो गई, क्वेश्चनिंग हो गई। क्वेश्चनिंग में क्या हो गया, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ, क्योंकि डार्क एजेस में क्या था, चर्च का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, इसमें पीपल स्टार्टेड
क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड सॉट न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वर्ल्ड. अब उनको सोसाइटी को समझना है और उसके लिए उनको नए नए तरीके चाहिए, ठीक है. और रेनेसां ने एनकरेज किया पीपल को टू थिंक मोर अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी. उसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने लगे और इवेंचुअली इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, ऐसा ऐसा हमें नीड पड़ी एक अलग डिसिप्लिन की जो सोसाइटी को स्टडी कर सके, ठीक है. तो ये आपका खत्म हुआ डार्क एजेस, फिर हम रेनेसां में आए, ये आपका 14th सेंचुरी. फिर ऐसे काफी इवेंट्स हो गए, सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गए जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम किसके तरफ आए, सोशियोलॉजी की तरफ. अब देखो पहले हमने रेनेसां कवर किया, ठीक है. अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, फिर से हम टॉपिक पे आते हैं कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज. सोशल चेंज तो आप समझ रहे होगे ना, साथ साथ जब रेनेसां आया तो कैसे सोसाइटी चेंज हो रही होगी, क्वेश्चनिंग आ गया, रिवाइवल आ गया, तो इससे हम किसकी तरफ आ गए, मॉडर्निटी की तरफ. और हमारा एक पीरियड स्टार्ट हो गया, वो एनलाइटनमेंट पीरियड. वेस्टर्न यूरोप के अराउंड ये स्टार्ट हुआ एनलाइटनमेंट पीरियड. इसमें क्या हो गया, साइंटिफिक बातें होने लगी, क्योंकि साथ में हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हो रहा था. तो रीजनिंग, रैशनैलिटी, रिलीजन का इन्फ्लुएंस, चर्च का इन्फ्लुएंस कम, आप रीजन करके सोसाइटी को समझ रहे हो, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, ठीक है. आपको अब चाहिए कि नहीं, अगर कोई बात हो रही है तो आपको उसका प्रूफ चाहिए, रैशनल डिस्कशंस हो रहे हैं, रीजनिंग वगैरह. तो वो आपका एनलाइटनमेंट पीरियड हो गया, ये आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हो गए. मटीरियल डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे, जिससे आपका इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रीज वगैरह, इकोनॉमी आपकी बूस्ट होने लगी, लोगों को वेजेस प्रोवाइड करने लगे, एक लेबर्स के लिए कोई रूल आया, कोई नंबर ऑफ आवर्स के लिए वो काम वगैरह कर सकते हैं. तो इन सब चीजों से भी आप मॉडर्न हो जाओगे. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इकोनॉमी बढ़ गई, तो हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं. एनलाइटनमेंट पीरियड की वजह से भी हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं. अकॉर्डिंगली आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के बारे में लोगों को पता चला. तो इन सब चीजों से भी हम क्या हो रहे हैं, मॉडर्न. अब हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर सोसाइटी मॉडर्न हो रही थी तो ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड है हमारे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से, ठीक है, यही पढ़ना है ना हमें. तो देखो हम मॉडर्न हो गए, अभी तक क्या है, चर्च का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट है. तो लोगों की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो किसके पास जाते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो पोप के पास जाते हैं. अब सडनली एक ऐसी कंडीशन आ गई कि रिलीजन है ही नहीं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है, साइंस की बातें करूं, तो ये बातें लोगों के सर के ऊपर से जाने लगी, ठीक है. दो की अब सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही थी, पर उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है. सिविल वॉर वाली कंडीशन आ गई, इससे पहले किंग है, किंग का रूल चल रहा है, ठीक है. आपको जो किंग बोलेगा वो ही करोगे, तो कहीं ना कहीं डर भी है, कोई गलती करोगे तो आपको किंग सजा देगा. अब नेक्स्ट आप बोलते हो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ठीक है. तो अगर आपका किसी के साथ कोई ग्रज है, आप जाके खुद ही वो सॉल्व करोगे, तो एक सिविल वॉर वाला कंडीशन बनना स्टार्ट हो गई. तो सोशल अपहीवल आ गया, सोसाइटी एक तरीके से उथल पुथल मच रही है, ठीक है, क्योंकि अब आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है. पहले आप कंट्रोल होते थे चर्च से, किंगशिप से, वो भी खत्म हो गया. तो इस वजह से, और देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या बढ़ा, आपके स्लम एरिया बढ़ गया, तो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह गए, बीमारियां बढ़ गई, ठीक है. तो लोगों को लगता था एग्रीकल्चर लैंड में हम फ्री थे, सारे काम करते थे, यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड हो गए. फाइन, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगा, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन, किनशिप इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड, वो भी सारा चेंज हो गया. तो लोग इन सब चेंजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. इनकी वजह से क्या हो गया, हमारे कुछ स्कॉलर्स आए, एक हमारे एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स थे जो कहते थे नहीं, ये जो प्रोग्रेस, ये चेंजेस हैं, ये अच्छी हैं, ठीक है. और एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स, इनके एंटी हमारे पास आगे काउंटर एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स, जो कह रहे थे दो ये चेंजेस अच्छी हैं, लेकिन इनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पुराने वर्ल्ड ऑर्डर वापस चाहिए, ये ओल्ड ऑर्डर फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते थे. लेकिन जो एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स है, अब इनके पास साइंटिफिक मेथड्स थे, इन्होंने कहा नहीं, हमें इन चीजों को समझना है साइंटिफिकली, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली जो मॉडर्निटी की वजह से क्वेश्चंस पोज हुए थे कि क्यों सोसाइटी में इतना अपहीवल है, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास फाइनली जो एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स ने कहा साइंटिफिक वे होगा, उस साइंटिफिक वे को ध्यान में रख के एक डिसिप्लिन को लाया गया, जिसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा, और उस डिसिप्लिन को का नाम रखा सोशियोलॉजी, ठीक है. इस तरीके से आपकी सोशियोलॉजी इमर्ज हुई. अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा है.
रूट्स ऑफ डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस टू द मेडिवल पीरियड ऑफ यूरोप बिफोर द एनलाइटनमेंट पीरियड. डार्क एजेस जो थे, मल्टीपल सोशल इवेंट्स थे, इग्नोरेंस, फ्यूडल स्ट्रक्चर्स, फ्यूडलिज्म था. फ्यूडलिज्म में जो सर्व्स थे, आपके पेजेंट्स थे, उनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था. इट वॉज फॉलोड बाय डिस्टिंक्टिव एरा ऑफ न्यू आइडियाज, मटीरियल डेवलपमेंट्स विच गेन्ड पॉपुलैरिटी एज द रेनेसां, विच लिटरली मीन्स रीबर्थ और रीअवेकनिंग. ठीक है, फिर डार्क एजेस का टाइम, वो भी मैंने आपको बोला डार्क एजेस में का क्या क्या फीचर्स थे डार्क एजेस के. अब जो रेनेसां है, इट वॉज ए कल्चरल मूवमेंट, इटली में स्टार्ट होगी 14th century में एंड इज कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन डार्क एजेस और द एंड द मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, इसने क्या किया, रेनेसां ने पुट द मैन एंड ह्यूमैनिज्म एट द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज. फाइन, क्योंकि क्वेश्चन करने लगा ट्रेडिशनल बिलीफ को. ट्रेडिशनल बिलीफ क्या था कि आपका जो गॉड है वो रिलेटेड, वो इक्वलेंट है आपके किंग से. थ्योरी ऑफ किंगशिप, डिवाइन किंगशिप थ्योरी. ठीक है, जो किंग बोलेगा वही बात फाइनल है. लेकिन उस चीज को क्वेश्चन किया जाने लगा, नहीं, ह्यूमैनिज्म को सेंटर स्टेज पे रखा कि नहीं, ये जो बोलेगा अगर वो बात आपके लिए आपके अगेंस्ट जाती है तो जरूरी नहीं आप उनकी बात मानो. तो ऐसे सारे थॉट्स जो है वो अकर करने लगे लोगों के दिमाग में. इट्स मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट वॉज इन फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर. उनका रिवाइवल होने लगा एंड ऑल्सो स्टिमुलेटेड थॉट्स अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस. जो रेनेसां था, इसने और एक चीज की थी, इसने मॉडर्निटी की जो आइडियोलॉजी थी उसके बारे में इसको बर्थ दिया था, गिव बर्थ टू दिस. क्योंकि जब लोग ये सारे आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आप एक जब आप एक पुराने बिलीफ को क्वेश्चन करने लगोगे तो आप नए बिलीफ की में ग्रेजुअली एंटर करते हो. तो आपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को जब क्वेश्चन किया तो ग्रेजुअली आप कहाँ पे आ गए, मॉडर्निटी की तरफ, एंड हेंस लेड टू द डॉन ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोप. ठीक है, जो मॉडर्निस्ट है ये लैटिन मॉडर्निटी, लैटिन वर्ड मॉडर्निस्ट से निकला है. Derived from modo, which is again derived from modo, meaning just now or current, जो आपकी current situation है. ठीक, ये सारी चीजें आप extra कुछ thinkers के नाम, Marshall Berman जैसे, इन्होंने क्या कहा था, तो ये सारी चीजें आप extra अपने answers के लिए याद रख सकते हो. मैं आपको एक overview देती हूँ इस topic का. Modernity जो था became synonymous with the period which was marked by questioning of tradition, हमने discuss किया. Prioritization of individualism or collectivity, freedom of ideas, equality in all spheres of life, promotion of scientific technological process वगैरह. हम feudalism से capitalism, market economy की तरफ आए, industrialization, urbanization, secularism. ठीक है, और political sphere में भी हमारा जो concepts आए, like that of contemporary nation state and its constituent institutions like democracy, modern bureaucracy, ये सारी चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होने लगी. तो ट्रेडिशनल बिलीफ से हमारा एक ब्रेक हमें मिला, वी ब्रोक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिलीफ एंड ग्रेजुअली एंटर्ड इन टू द मॉडर्न एरा. इन दिस पीरियड ओल्ड बिलीफ को जो क्वेश्चन किया गया था एंड रैशनैलिटी इमर्ज एज अ न्यू रिलीजन. ये कुछ थिंकर्स है काफी इंपॉर्टेंट, रॉसेउ, मॉन्टेस्क वगैरह. They talked of modern political ideas while Adam Smith, Ricardo, J.S. Mills talked of a new economic order. Further, the new order started to replace the old order. It created considerable social upheaval and disturbance in the society. अब आप सोचोगे ना कि मॉडर्न हो रहे हैं तो डिस्टर्बेंस क्यों हुई, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई एक थॉट मानते हो, अब अपने घर में भी देख लो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई एक बिलीफ अगर होगा तो उस बिलीफ को चेंज करना कितना मुश्किल है आपके लिए. तो वही चीजें हुई कि दो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही थी पर एक सर्टन सेक्शन जरूर ऐसा होता जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, कंटेम्परेट नहीं कर पा रहा था ये क्या हो रहा है. ठीक है, वो लार्ज चंक ऑफ सेक्शन था वो नहीं समझ पा रहा था क्या हो रहा है, इस वजह से केओस मच गया था सोसाइटी में. इंडस्ट्रियल वर्किंग ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड अदर इंस्टीट्यूशन, आपका फैमिली, किनशिप, हाउस होल्ड वगैरह. जो और एक डिस्क्रीट इवेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को ट्रिगरिंग पॉइंट बोला जाता है, ट्रिगरिंग पॉइंट आपके इसके लिए, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए. ठीक है, अब देखो इसको इन्हें क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा. पहले आपके इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं जिसमें आपका एनलाइटनमेंट है, ये एम्फेसाइज किया इसने रीजनिंग को, इंडिविजुअलिज्म को. इरविंग जेटलिन ने इनफैक्ट ये बोला है कि जो अर्ली सोशियोलॉजी थी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट. ठीक है, क्योंकि आपके एनलाइटनमेंट, काउंटर एनलाइटनमेंट, वो सारे स्कॉलर्स आए तो उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है. फिर फाइनली क्योंकि नेचुरल साइंस की बात हो गई थी, ऑगस्ट कॉम्पटन ने कहा था कि हमें साइंटिफिक वे में इसको स्टडी करना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बात करी थी कि हम साइंटिफिक वे में इसको स्टडी करेंगे, तो इस वजह से उनके पास एक टूल था कैसे स्टडी करना है. तो फाइनली इवेंचुअली आपका जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक वे में डेवलप, साइंटिफिक स्टडी उसकी डेवलप हुई, विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ. डार्विन का आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये मैंने डार्विन हाइपोथेसिस कैसे रिलेटेड है आपकी सोशियोलॉजी से, ये कल हमने डिस्कस किया.
और सोसाइटी को स्टडी करो ऑन लाइंस ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड प्रॉमिस द सोल्यूशन टू विच प्रॉमिस द सोल्यूशन टू ऑल सोशल इल्स. इन्होंने कहा जैसे बायोलॉजी आपको कोई डिजीज है वो आप पढ़ के सॉल्व करते हो, वैसे अगर सोसाइटी में कोई डिजीज है उसको भी आप साइंटिफिकली सॉल्व करो. ठीक है, तो ये कुछ नाम है. ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, इमाइल दुर्खेम बिकेम द फेस ऑफ फ्रेंच सोशियोलॉजी विद द सेमिनल फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क. कॉम्टे जो था इन्होंने पहले यूज किया टर्म सोशियोलॉजी को एंड ही बिलीव दैट स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी वुड बी साइंटिफिक. इन्होंने इसका नाम रखा था पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिविज्म. इनकी थ्योरी ही है पॉजिटिविज्म की जो हमें आगे चैप्टर्स में पढ़नी है. ही डेवलप्ड सोशल फिजिक्स इनिशियली एंड ही कॉल्ड इट सोशियोलॉजी. इस डायग्राम पे हम दोबारा आएंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे आपका इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा. हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पढ़ी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई. अब देखते हैं मटेरियल डेवलपमेंट क्या हुई. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा डिटेल में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिस्ट्री में. एक नया काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड आया, सूट एंड ग्राइम ऑफ फैक्ट्रीज, ओवर क्राउडेड स्लम्स, बैड सैनिटेशन, डीह्यूमनाइजिंग कंडीशंस, क्राइम, पेटी थेफ्ट्स वगैरह, मर्डर्स, ये सारी चीजें, ठीक है, आपके एपिडेमिक्स वगैरह स्प्रेड हो गए. इन सब चीजों से भी केओस मच गया सोसाइटी में. पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था आपका लास्ट पुश था, जिसने सारा ही सोसाइटी का एक अपहीवल जो है वो किया. देखो फ्रेंच सोसाइटी जो थी ये तीन क्लासेस में डिवाइडेड थी. पहले टॉप पे थे आपके क्लर्जी, फिर थे आपके नोबिलिटी और लास्ट में थे आपके कॉमनर्स. ऐसा बोला जाता था द ड्यूटी ऑफ क्लर्जी इज टू प्रे, नोबिलिटी इज टू फाइट एंड कॉमनर इज टू पे टैक्सेस. ठीक है, तो सोसाइटी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी. इक्वालिटी की कोई बात नहीं थी. जो कॉमनर्स थे वो सब सिर्फ उनका काम रह गया था टैक्स पे करने में, और क्लर्जी और नोबिलिटी जो है वो काफी एक रॉयल वर्ल्ड जो है रॉयल लाइफ जी रहे थे, और कॉमनर्स जो है उनके बिल्कुल वो खाने के लिए उनके पास ये नहीं था, अनाज नहीं था. तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गए, कैसे उस किंग को जाके मारा. तो ये सारी बातें अब हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है, हमें सिर्फ सोशल आस्पेक्ट डिस्कस करना है कि इसे सोसाइटी पे क्या असर हुआ. ठीक है, एस्टेट जो थे थ्री ऑफ देम, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड कॉमनर, इट वॉज अ हाईली डिस्टॉर्टेड सिस्टम. It in which first two estates ruled the roost at the expense of the commoner. It bred a lot of discontentment and tension in the society, and ultimately French Revolution provided the environment. जिसने replace किया old feudal system को with new one. Ideals of democracy, liberty, fraternity जो थे वो became the new watchwords. But they didn't come easily and the old system resisted stiffly. जब को old system था, clergy, nobility, वो उन्हें भी resist किया, ठीक है, वो भी ऐसे चुप करके नहीं बैठे थे. तो लोगों में already understand, comprehend करने में problem हो रही थी. तो इसकी वजह से क्या हो गया, a tussle between the old and the new ensued that created a condition of great uncertainty वाला माहौल हो गया. Anarchy and insecurity became rampant. मैंने आपको सिविल वॉर वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि अब लोगों के पास कोई नहीं था, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो उनको रूल करती. In this situation, early social thinkers sought to find the answers to the question posed by French Revolution. Intellectuals like Saint Simon, Auguste Comte, Spencer Durkheim, उन्हें early ideas provide किए which laid the formal foundation of discipline. मैंने आपको बोला इन सब चीजों की वजह से Enlightenment scholars और काउंटर Enlightenment scholars आ गए हमारे पास, और इन दोनों ने कहा कि नहीं, हमें वापस चाहिए पीस. काउंटर एनलाइटनमेंट ने कहा था कि ओल्ड ग्लोरी जो है, ओल्ड मेथड्स, उनकी उनको यूज करके हम सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाएंगे. लेकिन एनलाइटनमेंट ने कहा था नहीं, साइंटिफिक वे को यूज करके लाएंगे. तो इन दोनों के इससे कंबाइन करके इमर्ज होगी फाइनली जो क्वेश्चंस पोज किए गए थे मॉडर्निटी से, उनको डिसाइड किया कि साइंटिफिक वे में सॉल्व किया जाएगा, और उससे हमारी इमर्जेंस हुई सोशोलॉजी की. दे मेड अ बिट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ न्यू इवेंट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी. Comte called the new set of thoughts at sociology for the first time. Spencer followed the footsteps of Comte and gave the idea of social evolution, similar to biological evolution. जो effort थे दुर्खेम के led to the establishment of sociology as the first department of France and Europe. ठीक है, thus modernity का impact था on social, economic and political lives of people. Initially modernity was seen as positive, but its negative fallout soon became apparent. जैसे मॉडर्निटी थी, इसके साथ एक पैराडॉक्स भी इन्वॉल्व था कि तुम मॉडर्निटी में आपको प्रोग्रेस देखते हो, लेकिन यहाँ मॉडर्निटी में केओस मच गया. ठीक है, वो क्यों केओस मच गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने आपको बोला ओल्ड सिस्टम ने रेजिस्ट किया, लोग कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पा रहे थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बीमारियां फैलने लग गई, ठीक है, और रेनेसां एनलाइटनमेंट, लोग क्वेश्चन करने लगे, हर बिलीफ को क्वेश्चन करने लगे. तो एक काइंड ऑफ केओस जो है सोसाइटी में वो मच गया. तो मॉडर्निटी पोस्ट चैलेंजेस विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू इंटेलेक्चुअल आइडियाज, जिन्हें फाइनली प्रेसिपिटेटेड बाय द न्यू मटेरियल कंडीशंस एंड ए न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर.
द क्वेश्चन वर पोज्ड वर नॉट आंसर्ड बाय द हिथर टू एग्जिस्टिंग डिसिप्लिनम. सोसाइटी में केओस क्यों मच गया मॉडर्निटी से, उस टाइम के जो करंट सोशल साइंसेस है उनसे आपको इसका आंसर नहीं मिला. एंड अ न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी वॉज सॉट एंड वॉट इमर्ज वॉज नोन एज सोशियोलॉजी. ठीक है, अब देखो जो इंटेलेक्चुअल कंडीशंस डेवलप हुई जैसे आपके रेनेसां एनलाइटनमेंट वगैरह, इनके साथ कंबाइन हो गए नए मटेरियल कंडीशंस जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुए. एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर आया. ठीक है, इस वजह से आपकी कंबाइन करके इन सब सबको कंबाइन करके फाइनली आपकी इमर्ज हुई सोशियोलॉजी. तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वेस्टर्न सोशियोलॉजी इमर्ज एज एन अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड इट्स फॉलआउट्स. अब देखो सोसाइटी को कहां पहुंच गए, अब देखो सोसाइटी को पढ़ना है. ठीक है, इसकी वजह से हमें, इसके लिए हमें कोई टूल चाहिए. तो पहला टूल क्या था, सोशल सर्वे था, फर्स्ट सर्च टूल दैट वाज यूज्ड बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है, स्टेट ऑफ पोअर रिपोर्ट जो थी पहली साइंटिफिक सर्वे था पहला, विच केम अप इन यूरोप एंड इट हाईलाइटेड द पॉवर्टी इज नॉट नेचुरल बट अ सोशल फिनोमिना. इससे पहले क्या माना जाता था पॉवर्टी को, कि ये तो नेचुरली है, मतलब गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि पहले कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा, अब नेक्स्ट जन्म में वो इस जन्म में वो टॉलरेट करेगा अपनी गरीबी को, नेक्स्ट जन्म में चांसेस है वो अमीर बन जाए, ये बिलीव था. लेकिन अब क्या बोला, नहीं ये सोशल फिनोमेना है पॉवर्टी, ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है. तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई. दुर्खेम इंपॉर्टेंट नाम है एक थिंकर, हमें सेपरेटली भी पढ़ना है इसको, हम वहीं डिस्कस करेंगे. और यहाँ थोड़ा न्यू मार्क्सिस्ट बिलोंगिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यू मार्क्सिस्ट का लिखा है, इससे पहले आपको समझना होगा मार्क्सिज्म क्या है, तो वो भी हम थिंकर सेपरेट पढ़ेंगे. वो पढ़ने के बाद आपको ये दो चार चीजें, कमोडिटी फेटिशिज्म, अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, तब हम देखेंगे. और भी काफी बातें हुई, जैसे और भी काफी थिंकर्स आए, उन्होंने कहा मॉडर्निटी जो है ये प्लूरल कंडीशन है, दैट मीन्स ये सिर्फ यूरोप में इमर्ज हुई, वो सिर्फ मॉडर्निटी नहीं है, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज है, प्लूरल कंडीशन है, अलग अलग वर्ल्ड के कोनों में अलग अलग चीजें हुई जिनकी वजह से मॉडर्निटी जो है उसका कंसेप्ट आ गया. तो एक मच ब्रॉडर कंसेप्ट है और हमारे पास आइडिया है मल्टीपल मॉडर्निटीज का, इन मल्टीपल मॉडर्निटीज का इम्पैक्ट हुआ ऑन द एवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेकेंड टॉपिक. अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वाइंड अप करने से पहले हमें डायग्राम से एक बार ये टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं. देखो डार्क एजेस का टाइम, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद डार्क एजेस का टाइम शुरू हुआ, ये मैंने आपको, हमने डिस्कस किया इसमें क्या हुआ था. उसके बाद आपका एक पीरियड आ गया रेनेसां वाला. ठीक है, रेनेसां के बाद आप एक नई आइडियोलॉजी आई हमारे पास, किसकी, मॉडर्निटी की. लेकिन मॉडर्निटी जो थी एक पैराडॉक्स था इसमें इन्वॉल्व, दैट मीन्स इसके कुछ फॉलआउट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे. वो क्या थे, सोशल चेंजेस हो रही थी, इकोनॉमिक चेंजेस हो रही थी और पॉलिटिकल चेंजेस हो रही थी. ये सारी चीजें सोसाइटी में हो रही थी, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई थी, मिडिल क्लास राइज हो रही थी इकोनॉमी की वजह से, सेक्युलरिज्म क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस कम हो गया था, लोग अब ज्यादा रैशनल हो गए थे, एक नया अर्बन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश होने लगा था, इकोनॉमिक चेंजेस भी आ गई थी. डार्क एजेस में आपको का सेल्फ सफिशिएंसी थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मार्केट फोर्सेस आ गई, कैपिटलिज्म आ गया. ठीक है, अब आपका हर एरिया जो है वो इंटीग्रेट होने लगा उसकी इकोनॉमी ग्लोबली. पॉलिटिकल चेंजेस आ गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सारी चेंजेस किसमें हो गई, यूरोपियन सोसाइटी में. इन सब चेंजेस, अगर आप ये चेंजेस देखो आपको नाम से लग रहा होगा सारी पॉजिटिव चेंजेस हैं, तो इन सब चेंजेस की तरफ हम कहाँ से आ गए, मॉडर्निटी, रेनेसां से डॉन ऑफ मॉडर्निटी हो गया, मॉडर्निटी स्टार्ट हो गई. बाद में ऐसे काफी कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट इवेंट्स होते रहे जिनकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निटी की तरफ जाते गए, जैसे आपका एनलाइटनमेंट हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया. ठीक है, आपका कमर्शियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो इस बुक में डिस्कस किए गए हैं. अब इन सारी चीजों की वजह से हम मॉडर्निटी की तरफ आए, लेकिन इस मॉडर्निटी ने कुछ चैलेंजेस पोज किए. वो क्या चैलेंजेस थे, एक पॉवर्टी का न्यू फेस आ गया पॉवर्टी का. देखो एग्रीकल्चर लैंड में जब ये काम करते थे तो इनको ऑल द वेजेस नहीं मिलते थे, पर ऑलमोस्ट हर फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व था, तो इनकी लाइफ जो है ठीक ठाक कट रही थी. लेकिन अभी फैक्ट्री सिस्टम में आ गए, कितने आवर्स तक ये काम करेंगे, फाइन, तो एक वेज वेज सिस्टम आ गया, यहाँ से साथ में महंगाई भी बढ़ रही होगी, तो वो कहीं कुछ उनका जो है ये है मीट नहीं कर पा रहे थे अपने एंड्स. न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि हर कोई माइग्रेट करने लगा. इकोनॉमिक चैलेंजेस, न्यू क्राइम्स, पोअर लिविंग कंडीशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. पॉलिटिकल चेंजेस आ गई जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी वगैरह इनकी बातें हुई. सिविल वॉर कंडीशन हमारी आने लगी. केओस एंड अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया सोसाइटी में. इन सब चीजों की वजह से कुछ क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, कि ये सब केओस क्यों मच गया मॉडर्निटी से. उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास एनलाइटनमेंट, काउंटर एनलाइटनमेंट थॉट्स थे. ठीक है, काउंटर एनलाइटनमेंट कहते थे रेस्टोर करो ओल्ड ऑर्डर को, एनलाइटनमेंट कहते थे नहीं साइंटिफिक वे में इसको बताओ, इसको एनालाइज करो प्रॉब्लम को.
तो वो जो क्वेस्ट था फॉर आंसर, उसके लिए हमारे पास इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था, जैसे एनलाइटनमेंट ने प्रोवाइड किया था आपको कि रैशनैलिटी रीजन पे बात करो, आपके पास साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट था कि नेचुरल साइंस को जैसे स्टडी करते हो उन्हीं लाइंस पे आप सोसाइटी को स्टडी करो, तो इन सब के इंटरप्ले से क्या हुआ, फाइनली इमर्ज हो गई ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी। तो ये हमने कंक्लूड किया अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेके आती रहूंगी। सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।